ओम शांति। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है? कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए? है कहीं सैलाब, कहीं धरती में कंपन है। बदला लेता है तो या बदला ये मौसम है? कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए? पानी प्यासा हुआ, खून पीने लगा, इस जल से जला ये जहां। जल क्या कर रहा है? जला रहा है। जल क्या कर रहा है? प्यासा है। क्या पी रहा है? खून पी रहा है। लगता था मानव जो सोना उगले, वो धरा भी हिले, धरती निगले कई आसमां। धरती आसमां को निगल रही है। लगता था मानव यहां मानव का दुश्मन है, देख लो लहरता मानवता का परचम है। कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहां जाए? कवि ने एक प्रश्न किया है, ये जो कुछ हो रहा है वो क्या है? क्या ये पापों का फल है या शाप अटल है? है लीला या माया कोई? क्या इशारा तेरा, क्या है कहता कहना तेरा? क्या मरेंगे सभी ऐसे ही? पूछ रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, ये प्रकृति का तांडव नृत्य जो हो रहा है, ये प्रकृति का महाप्रलयंकारी रूप जो सामने खड़ा है, वो क्या है? क्या ये पापों का फल है या शाप अटल है? है लीला कोई या माया कोई? क्या इशारा तेरा, क्या है कहना तेरा? क्या मरेंगे सभी ऐसे ही? माना एक कठपुतली है प्रभु तेरे हाथों में हम, कहे प्रदीप कवि का नाम। ऐसे ना छीनो जो दिया जीवन, कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहां जाए? कुदरत ये सितम ढाए, हर तरफ दुख दर्द है। हर तरफ क्या है? दुख है, दर्द है, आंसू है, मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है? मन में प्रश्न उठ रहा है कि ये जो कुछ दिख रहा है, इतना विनाश, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? या तो भगवान को कह रहे हैं, या तो प्रकृति को, कुदरत को, या भाग्य को, किस्मत को? लीला है, माया है, पाप है, शाप है, क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। कुदरत ये सितम की सभी सभ्यताओं ने महाप्रलय का वर्णन किया है कि एक समय ऐसा आएगा जब भयंकर आपदाएं आएगी। बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, जेनेसिस में नूह का वर्णन है। नूह, जिसे इस्लाम पैगंबर के रूप में मानता है, इस्लाम के 25 मुख्य पैगंबरों में से जो तीसरे नंबर का पैगंबर है वो नूह है। और इसका वर्णन बाइबल में भी है तो कुरान में भी है। नूह को खुदा ने कहा, भगवान कहता है यहोवा, बाइबल में शब्द है यहोवा, कुरान में शब्द है खुदा। यहोवा कहता है कि एक बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है, और वो नूह जिसके 3 बेटे 3 बहू, उसकी पत्नी, ऐसे 8 लोग, वो उस बात को मान लेता है क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा तमो प्रधानता बढ़ गई है, सभी पाप कर रहे हैं, और भगवान चाहता है, खुदा चाहता है कि इस सृष्टि का विनाश हो जाए और नई सृष्टि फिर से स्थापित हो जाए। ऐसा वर्णन दोनों ही शास्त्रों में आता है, और इसलिए वो उससे कहता है कि तू एक नाव बना, एक जहाज, एक बहुत विशालकाय नाव, क्योंकि कुछ समय के बाद बाढ़ आएगी।
40 दिन और 40 रात तक ये बाढ़ रहेगी और इस सृष्टि पर मैं इस सृष्टि को तबाह कर दूंगा। उसमें बाइबल में ऐसे वचन है कि मैं इस सृष्टि को तबाह कर दूंगा और तुम अपने परिवार के साथ उस जहाज में बैठ जाना। और जब वो बहुत बड़ी नाव बनती है, सब लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। Those who are unrighteous, those who are the workers of iniquity, जो अधर्मी हैं, जो धर्म ग्लानी करने वाले, जो पापाचार भ्रष्टाचार विकारी है, वो सभी उनकी ग्लानी करते हैं। Unrighteous, ये शब्द बाइबल में आया है, इसी का प्रयोग मुरलियों में आता है, Unrighteous, righteous। तो कई साल लग जाते हैं, नाव बन के तैयार हो जाती है और वो सब बैठ जाते हैं। वो कहता है भगवान कि तीन सेक्शंस इसमें होंगे, एक में तो तुम बैठोगे, दूसरे में पशु पक्षी, इस संसार में जितने पशु है, नर और मादा, एक एक इसमें लाके रखना, एक एक वस्तु, सब कुछ इसमें। और फिर जब ये तैयार हो जाता है तब बाढ़ आती है, अविरल वर्षा होती है, 40 दिन 40 रात तक पूरा सृष्टि। इसको कहते हैं द ग्रेट डिल्यूज, डिल्यूज डिल्यूज अर्थात बाढ़, फ्लड। और फिर ये नाव, वो सब खाने पीने का वहीं रहता है, 40 दिन 40 रात तक बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। जब 40 दिन 40 रात के बाद बारिश थमती है, तब सूरज की पहली किरण वो देखता है और फिर अपने एक पक्षी को भेजता है कि जाकर देख कहीं पर कहीं सूखा है, पर वापस आ जाता है। कबूतर को भेजता है, दूसरी बार भेजता है, तीसरी बार भेजता है, तब कहीं उसको पता चलता है कि हाँ कहीं तो जगह बारिश थम गई है। पर फिर भी 2 मास यहाँ ही रुकते और 2-3 मास यहाँ रुकते और उसके बाद फिर जब बाहर आते हैं तो केवल इतनी ही रहती है लोग, इतने ही लोग, और यहाँ से फिर एक नई सृष्टि चालू होती जो कि हम हैं। ऐसा बाइबल और कुरान में वर्णन है। ये सबसे पहला वर्णन इधर हिंदू धर्म, विष्णु के दशावतार। पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। शत्रुपा और मनु महाराज जो होते हैं, वो जब समुद्र के तट पर जाते हैं, वो अंजलि लेते हैं, पानी भरते हैं, तो एक मछली वो बातें करने लगती है, कहती है कि मुझे थोड़ा बड़ा स्थान चाहिए। वे कहते अच्छा, तो वो उसको जाके घर पे कमंडलों में डालते हैं, कमंडलों में जाते वो और बड़ी हो जाती है सुबह तक, तो फिर वो उसको जाके तालाब में डालते वो और बड़ी हो जाती है, क्या करे। हाँ, जिसमें भी डालते बड़ी बड़ी होती जाती है, आखिर में समुन्द्र में जाके डालते। फिर वो प्रकट करती है अपना रूप, कहती है मैं विष्णु हूं और अभी 7 दिन के बाद भयंकर तूफान बाढ़ आने वाली है, तो तुम सप्तऋषि और बहुत सारी जो वस्तु है सबको इसमें डालो और फिर वो नाव बनाओ एक। तो नाव बनती है, वो मछली मत्स्य अवतार, पहला अवतार वही है ना। बाबा कहते ना मैं ये कच्छ मच्छ ये सब नहीं बनता हूं, पर यहां वो दिखाया है, तो वो मछली अवतार। और फिर हाईग्रीव जो वेदों को चुरा ले जाता है राक्षस, उसको मार के जाते हैं एक पहाड़ की चोटी पर हिमालय, और फिर वहां से नई सृष्टि की स्थापना। बेबिलोन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, माया मायन सभ्यता, रेड इंडियंस की सभ्यता, अफ्रीकन सभ्यता, सभी सभ्यताओं ने, मिस्र की सभ्यता, कहीं ना कहीं ऐसे समय का वर्णन किया है कि जहां प्रलय होगा, विनाश होगा। और भगवान जब आता है उसने भी कहा कि महाविनाश महाप्रलय होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परिवर्तन होगा। वटस्य पत्रस्य सुखे शयमं बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि, वो कृष्ण का चित्र दिखा देना अंगूठा चूसते हुए, वटस्य पत्रस्य शीर्ष बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि, वो भागवत में। तो उसी तरह पत्ते में कौन आएगा? श्री कृष्ण वापस आएगा। तो ऐसा महाप्रलयंकारी समय अब आने वाला है, आ चुका है, थोड़ा 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 आ रहा है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? लास्ट संडे की अव्यक्त वाणी, प्रकृति चित कैसे बने। प्रकृति तांडव नृत्य करेगी, मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल
मौत होगी, कैसे मरेंगे सभी अशोक भाई? इकट्ठा, पर कैसे? मच्छरों जैसे, टिड्डियों मिसल, सरसों जैसे पिस जाएंगे सबके सब। दो पाटन को देख कबीरा रोए। कबीर देखता है कि वो आटा रहता है ना, वो सब पिस रहे, उसमें बेचारा दुखी हो जाता है। साबुत बचा ना कोई, गुरु के पास जाता है, कहते हैं सब ऐसे ही मर जाएंगे, सब के सब मर रहे, संसार के लोग, संसारी इच्छाएं तृष्णाएं वासनाओं में। उसका गुरु कहता है नहीं, सब नहीं मरेंगे, कुछ कुछ दाने होते हैं ना, वो जो बीच का होता है ना दंडा, जो उसको चिपक जाते हैं, वो नहीं मरेंगे। जो क्या वो दंडे को क्या कहते हैं? कील, कील, जो उस कील को पकड़े रहेंगे दाने, वो नहीं मरेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। वो कील है सदगुरु, वो कील है भगवान, वो कील है शिव बाबा। तो जो उसको पकड़े रहेंगे वो बच जाएंगे, बाकी सब दो पाटन के बीच साबुत बसान बचा ना कोई, सब पिस जाएंगे, सब मर जाएंगे, सरसों मिसल, टिड्डियों मिसल, सब घर जाएंगे, होलसेल मौत होगा ना। तो ऐसे समय में जब प्रकृति अपना प्रलयंकारी रूप, एक तरफ बाढ़, एक तरफ अतिवृष्टि, एक तरफ अकाल, तो कहीं सुनामी, तो कहीं लैंडस्लाइड्स, तो कहीं बादलों का फटना, तो कहीं भूकंप, तो कहीं सूखा, तो कहीं क्या, हर तरफ क्या होगा? दुख, दर्द, आंसू है, मातम है, हाहाकार होगा, त्राही त्राही होगी, त्राही माम चिल्लाएंगे, पानी प्यासा होगा, खून पिएगा, जल क्या कर देगा? दुनिया को जला देगा, धरती निगल जाएगी, लील कर जाएगी, आसमान को कुछ नहीं बचेगा। ऐसे समय में हमें क्या करना है? तो इस मुरली में बाबा ने 10 बातें बताई है प्रकृति जीत बनने की। ऐसे समय में प्रकृति जीत कैसे बने, क्या करें कि ये प्रकृति इतना तांडव नृत्य करेगी परंतु हम अचल अडोल खड़े रहेंगे। जहां तुम ब्राह्मणों का पाव है, स्थान है, वहां पर नुकसान नहीं हो पाएगा। जहां तुम ब्राह्मण मालिक हो, वहां प्रकृति दासी होगी। तो क्या किया जाए जिससे हम प्रकृति के इस महाविनाशकारी, महाप्रलयंकारी रूप के सामने स्थिर, अचल, अडोल, स्थैर्यम रह सके? सबसे पहली बात, फरिश्ता। बाबा ने क्या कहा? जिनकी स्थिति ऊंची होगी, जो फरिश्ता स्वरूप में स्थित होंगे, वो सेफ रहेंगे। फरिश्ता अर्थात शरीर के भान से परे, वो हर चीज जो हमें शरीर के भान में लाती है वो फरिश्ता स्थिति नहीं है। फरिश्ता स्थिति की सहज सुलभ परिभाषा है, हर वो स्थिति जो हमको शरीर भान से ऊपर रखती है फरिश्ता स्थिति है, जिसमें देह के संकल्प चल रहे, अब क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या करूं, देह देह की बातें चल रही है, देह देह के मोह मोह, वो फरिश्ता स्थिति नहीं है। फरिश्ता स्थिति अर्थात शरीर से परे, जिसका रस संकल्पों में है, जिसका रस आत्मा में है, चेतना में है, वो फरिश्ता स्थिति है। जिसका रस शरीर में है, शरीर के भोग विलास में है, वो फरिश्ता स्थिति नहीं है, वो थोड़ी नीचे वाली स्थिति है। तो विनाश के ऐसे समय पर जहां तांडव नृत्य हो रहा है विनाश का, वहां पर अशरीरी हो जाना, फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाना, ऊंची अवस्था में रहना। संडे की मुरली में था, बाप की याद ही क्या है, छत्र छाया। जब ऐसे दुख के बादल, ये तो तुम्हारे वर्तमान के दुख तो कुछ भी नहीं है, दुख के तो पहाड़ गिरने हैं और फिर बाद में सुख के पहाड़ खड़े होंगे, बहुत दुख आने वाले हैं। कैसी गुड न्यूज लेकर भगवान आया है कि तुम्हारे ये दुख तो कुछ भी नहीं है, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, बड़े बड़े दुख आने वाले हैं, महारथी दुख। तो सबसे पहली विधि क्या है? फरिश्ता स्थिति का अभ्यास, अपनी स्थिति को ऊंचा रखना। दूसरी विधि कर्मेंद्रिय जीत,
प्रकृति जीत बनने की विधि क्या है? कर्मेंद्रिय जीत। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी तो प्रकृति ही है। जिसने इस तत्वों को जीता, उन तत्वों को जीतने के लिए पहले इन तत्वों को जीतना पड़ेगा। यह शरीर भी तत्वों का बना हुआ है, तो शरीर को भी जीतना, शरीर के मालिक बनना। बहुत शरीर की आज्ञा मान ली, शरीर कहता है खाओ, शरीर कहता है पियो, शरीर कहता है सो, ये करो वो करो, और हमने क्या किया? जी हजूर, जी हजूर, शरीर की बहुत आज्ञा मानी। अब क्या करना है देवेंद्र भाई? शरीर को आज्ञा देनी है। बहुत आज्ञा मान ली, अब उसको आज्ञा देनी है, तुम ये करो। अब मैं जैसा बोलता हूं तुमको वैसा करना पड़ेगा। तो कर्मेंद्रिय जीत। कोई भी मंत्री उपमंत्री धोखा ना दे। कर्मेंद्रिय क्या कहे? जी हुजूर। उसको कहो ये तो वो, उसको कहो ये तुमको देखना ही नहीं है, तो कहेंगे ठीक है आंखें बंद आज से, ये तुमको सुनना ही नहीं है बंद, ये तुमको बोलना ही नहीं है बंद, ये तुमको खाना ही नहीं है बंद, ये तुमको पीना ही नहीं है बंद। तो कर्मेंद्री हमारी बात माने, कर्मेंद्री हमारी हमारा कहना माने, फरमा बरदार हो जाए कर्मेंद्रिया, हम जो फरमान दे उस पर वो चले, ऐसे आज्ञाकारी बन जाए एक एक कर्मेंद्रिया। ये विधि है किसकी? प्रकृति जीत बनने की। उसके बाद में तीसरा प्यूरिटी। बाबा ने कहा तुम्हारे पवित्र संकल्प और वृत्ति से व्यक्ति और प्रकृति का परिवर्तन होगा। प्यूरिटी में इतना बल है, प्यूरिटी में इतनी पावर है। जितनी अधिक प्यूरिटी होगी उतना ही वो संसार का अत्यधिक कल्याण कर रहा है। इसके लिए संसार को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? तुम्हारे प्यूरिटी के प्रकंपन की। संसार प्यासा है क्योंकि संसार तमोप्रधान है, विकारी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो पवित्रता नहीं कर सकती। सारा खेल ही पवित्रता और अपवित्रता का है। तो यहां मैं उस दिन भी बताया था, ये यज्ञ, ये सारे सेवा केंद्र, ये ब्राह्मण परिवार, ये संसार की आत्माएं, ये प्रकृति, और साथ में ऐड कर दो पशु पक्षी, उनको भी, जीव जंतु को भी कल्याण कर दो। इस सृष्टि का केंद्र मैं हूं। मुझसे कितने स्थान है ये यज्ञ के? 14 स्थान है। 14 स्थान, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, म्यूजियम, हॉस्पिटल, आबू निवासी, 6 ऊपर, माउंट आबू निवासी, इन सबको पावन करना है। फिर नीचे शांतिवन, मनमोहिनी, ट्रॉमा, अच्छा ये नया बन गया अभी, शिवमणि, उसके बाद में नर्सिंग स्कूल, उसके बाद में बगी गार्डन, उसके बाद में तपोवन, नदी, सोलर, और फिर वो संगम भवन, और उसके बीच का जो एरिया है, कॉलोनीज, बीके कॉलोनीज, वो सारा, ये सबको सकाश। उसके बाद में सारे सेवा केंद्र विश्व के बाबा के, उन सबको सकाश। उसके बाद में ब्राह्मण परिवार सारा के सारा। उसके बाद में संसार की सारी दुखी तड़पती विकारी आत्माएं। आज कहा बाबा ने सबका कल्याण करो, अबलाओं का, भिलनियों का, और गणिकाओं का, सभी का कल्याण तुमको करना है। जो सबकी सेवा करेंगे वो मुझे, मैं उनसे लव करूंगा। जो सर्विसेबल है, बाप का लव उनसे है जो सभी की सेवा करते हैं। सबको बाप का परिचय दो। फिर प्रकृति के 5 तत्व सभी को सकाश देनी है। ऐसा सर्कल में के बीच में खड़े रहना रोज, और किरने फैलाते रहो, फैलाते रहो, फैलाते रहो। तो तीसरी विधि क्या है? पवित्रता। चौथी विधि मर्यादा है। बाबा ने कहा मर्यादा के अंदर रहो तो सेफ रहोगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर खुद ही हलचल में आ गए तो प्रकृति की हलचल से तो प्रभावित होंगे ही। इसलिए क्या करना है तुमको? मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, इसमें बंध जाना है। जो मर्यादाओं में है वो सेफ है। मर्यादा एक किला है, रक्षा कवच है। इसके इससे बाहर गए तो रावण यहां खड़ा है फिर, और पुष्पक विमान तो तैयार बैठा है। इधर से
सीधा रावण के पास, बोर्डिंग इनटू पुष्पक विमान एंड फ्लाइट ऑफ एंड लैंडिंग इनटू शोक वाटिका और फिर इटरनल वेट कि राम जी आओ, राम जी आओ, राम जी आओ, कम से कम संदेश तो भेजो तो ये लेखा रेखा के इधर और सीधा हाईजैक, किडनैप। कौन? तो क्या करना है? मर्यादा है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर। पांचवी विधि पोजीशन। कौन सी पोजीशन? पूर्वज पने की पोजीशन। दो चीजें करनी है यहां पर। कौन सी आशीष भाई? संडे की मुरली। कितना टाइम हुआ? आज ट्यूसडे है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। पूर्वज पने की पोजीशन में दो बातें करनी है और दो उदाहरण। नरेश भाई, पालना बेलना नहीं, पांच विधाकार को विदाई। हाँ, और क्या करना है? प्रकृति को ऑर्डर करना है, पांच विकारों को, जाओ तुम पांच अभी आधे कल्प के लिए विदाई लो। ऑर्डर करना है किसको? तत्वों को। और क्या करना है? प्रकृति को भी ऑर्डर करना है कि जाओ तुम सुखदाई बन जाओ। कितना अच्छा काम है। पर ऑर्डर वो कर सकते हैं जो स्वराज्य अधिकारी, ऑर्डर वो कर सकते हैं जो कर्मेंद्रिय जीत है, जो आसनधारी है कर्मेंद्रिय जीत के, वो ऑर्डर कर सकते हैं। दो उदाहरण दिए विज्ञान के। कौन से विज्ञान? क्या कर सकता है विज्ञान? तत्वों को चलाता है, जड़ को चलाता है। तो तुम कौन हो? मास्टर रचता। तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। इस प्रकृति को नहीं चला सकते। एक दूसरा उदाहरण वो है अनुशक्ति, और तुम्हारी है आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति से तुम असंभव को संभव कर सकते हो। तो ये कितना अच्छा अभ्यास है, प्रकृति के पांच तत्वों को देखना, देवता रूप में या ब्राह्मण रूप में, और आदेश दो उनको। पांच विकारों को भी आदेश दो। पांच विकार खड़े हैं, सिर झुकाए, हाथों में बेड़िया, अपराधी के रूप में आए हैं, हम राजा है। क्या अपराध है इनका? मंत्री बताएगा, बहुत दुख दिया है इन्होंने, तो इनको क्या कर दो? काल खोटरी में डाल दो अब आधे कल्प के लिए काले पानी की सजा। तो क्या करना है? कौन से पोजीशन में रहना है? पूर्वजपन के। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है, प्रकृति को आदेश देना, तत्वों को आदेश देना, अपने शरीर को भी आदेश देना। हे मेरे शरीर के दर्द, घुटने का दर्द चला जा, पेट दर्द दूर भाग जा, अपने शरीर को आदेश देना है। हे मेरे दर्द, हे मेरी पीड़ा, हे मेरी व्याधि, मैं तुझे आदेश देता हूं आज से बाहर, आउट। तो आदेश देने का अभ्यास करना है, अपने शरीर को आदेश देना। कितना अच्छा अभ्यास है ये, शरीर को ही आदेश देना। तो ये था सब पूर्वजपन की पोजीशन। फिर उसके बाद में छठवी विधि वारे में। छठवी विधि क्या है? बाबा ने कहा अगर सभी विघ्नों से, सभी समस्याओं से मुक्त रहना चाहते हो तो ये नशा और ये निश्चय होना चाहिए, वारे में। वारे में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, इसका अभ्यास करो। मतलब नशा और निश्चय रहेगा तो प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाएगी तब आप स्थिर रह पाओगे, नहीं तो हलचल में आ जाएंगे। उसके बाद में सातवां, हलचल में न आना। बाबा ने कहा चाहे कैसा भी प्रकृति का रूप हो हलचल में न आना। निरंतर क्या याद रखो? वारे मीठा ड्रामा। निरंतर ये नहीं कहो हाय रे, ओहो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मेरा घर, मेरा परिवार, इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित सब कुछ निस्तनाबूत हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ गारत हो जाएगा। भगवान के महावाक्य है, कुछ नहीं बचेगा, जो कुछ देख रहे हो आंखों सहित समाप्त, भस्म हो जाएगा। और चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, तुम सबके शरीरों को जलाकर, कितने सुखद महावाक्य है, हृदय को
गदगद हो जाता है जिससे जिसे सुनकर, तुम सबके शरीरों को जलाकर मैं तुम्हारी आत्माओं को ले जाने आया हूं। महाकाल को पुकारा, कभी भक्ति में सोचा था किसको पुकार रहे हो? पुकारा था ना तुमने, आओ आओ आओ, अब आया हूं, अब मरो, क्योंकि तुमने ये भूल गए थे कि मैं महाकाल भी हूं। तो सातवीं विधि क्या है? हलचल में न आना। क्या कहना? ड्रामा में अपने आप को मजबूत करो। बहुत अच्छी लाइन है वहां पर। ड्रामा में क्या करो? अपने आप को मजबूत करो, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो अडोल होकर। तो वारे मीठा ड्रामा, कुछ भी हो रहा है इस ड्रामा में तो वाह वाह, बहुत ही अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और होना चाहिए। फिर उसके बाद में आठवीं विधि, समेटने की शक्ति। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। विनाश की जब घटनाएं होती है बहुत हलचल होती है। हमको याद है जब यहां से 2013 में हम लोग गए थे उत्तराखंड, क्या कुछ अलग 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 दृश्य सामने आए थे जो सोचे भी नहीं थे कभी। एक तरफ तो मनुष्य के स्वभाव के दो रूप दिखाई दिए, एक तरफ तो कितनी सेवा कर रहे, लंगर लगा के बैठे, निस्वार्थ सेवा कर रहे, फलक नाम भी नहीं है वहां पर कौन सी संस्था है, भारत भर से संस्था है, विश्व भर से संस्था ही आई और फ्री में सब कुछ कर रही है। एक तरफ वो लोग जो निस्वार्थ सेवा कर रहे, और दूसरे तरफ चोर लूट क्या कुछ हो रहे हैं। दो साधु बैठे थे, मिलिट्री गई वहां पे, सीआरपी एनडीआरएफ, चलो चलो चलो, वो कहने नहीं हम यहीं रहेंगे। हम कहा चलो, हम तुमको बचाने आए हैं, ऊपर प्रयागराज और रुद्र उसके ऊपर गए। वो कहने नहीं नहीं नहीं, वो जबरदस्ती लाए, उनकी झोलियों में बहुत सारा माल भरा था, पकड़े गए फिर। लोहे के बक्से सब कुछ भरा हुआ था। लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो लोग मर गए उनको तोड़ रहे हैं, उनके कंगन तोड़ रहे हैं, हाथों को तोड़ रहे हैं, सब जमा कर रहे हैं, एक तरफ लूटपाट। आज इस आजकल तेरा ध्यान इस तरफ है कम, कहीं हो रही है लूटमार, कहीं फट रहे हैं बम। उस दिन सुना ना गीत। तो समेटने की शक्ति, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, ये विधि होगी विनाश के समय, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा दिखेगा कि जो देख नहीं पाएंगे, इतना भयंकर होगा विनाश के दृश्य। एक बात हम हमेशा सोचते हैं, ये जो विनाश की मूवीज लोग बनाते हैं, इसकी प्रेरणा उनको कहां से आई होगी? जरूर उन्होंने देखा होगा ना किसी जन्म में, इसीलिए तो उनको लगा ऐसा। ये जिस तरह से विनाश दिखाते हैं कि ये किस तरह से सब मर रहे एक साथ, हजारों लोग, लाखों करोड़ों एक साथ मरेंगे, कोई किसके लिए कौन मातम मनाएगा, कौन किसको देखेगा, किसके लिए कौन रोएगा, कौन अफसोस करेगा, पूरा के पूरा समुंदर शहर के अंदर घुसाएगा, पुल मर सब, कार कार तो ऐसे खिलौने की तरह उड़ जाएंगे। ये जो बनाने वाले हैं, इनको प्रेरणा कहां से आई? ये ना इनका ना अध्यात्म से संबंध है, ना धर्म से, ये तो कमर्शियल कर रहे हैं अपनी पैसों के लिए। फिर भी इनको प्रेरणा आई, अर्थात इन्होंने ये अनुभव किया है, इन्होंने ये सब अनुभव किया है, अर्थात ये हुआ है, ये कल्प पहले की स्मृति है जिस आधार से इन्होंने ये मूवीज बनाई है विनाश की। इन्होंने अनुभव किया इसलिए तो इतना अच्छे से, जैसे कि रियल हो रहा है, ऐसे बना पा रहे। तो विधि क्या है? आठवीं, देख समेटने की शक्ति, देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना। उसके बाद में नौवा है स्पिरिचुअल ड्रिल, आकारी साकारी आकारी निराकारी, इसका अभ्यास करो, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। और लास्ट विधि दसवीं, एक सेकंड में फुल स्टॉप, अव्यक्त महावाक्य एक सेकंड में फुल स्टॉप की विधि से प्रकृति जीत बनो। तो ये दस विधियां बताई। ऐसा जब होगा तो तीन शब्द बताए अ से, जो प्रकृति हमारे लिए करेगी, कौन कौन से? आजियान पहला, दूसरा आफरीन, और तीसरा ऑफर। आजियान अर्थात वेलकम,
ऑफरिंग अर्थात धन्यवाद, ऑफर अर्थात ऑफर, पेशकश, तो अपने सामने पेश करेगी अपने आप को कि सहयोग की माला पहनाएगी और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, जहां तुम हो, जहां तुम्हारा स्थान हो, प्रकृति सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति को देवता के रूप में दिखाते हैं और तुम साक्षी होकर सारा खेल देखोगे, एक जगह ये भी कहा है। तो ये सारा जो होगा इसकी ये तो थी विधि और ये था परिणाम। परिणाम क्या है? प्रकृति सहयोगी। इसलिए अभी से क्या करना है? प्रकृति को सहयोग देना है, अभी से प्रकृति को सकाश देनी है, अभी से और एक चीज इसमें जुड़ी हुई है, प्रकृति को नष्ट नहीं करना है। प्रकृति चॉकलेट खाया फेंका उसका रैपर, हाँ नहीं बता रहा हूं कुछ भी खाया, रैपर्स, पॉलिथीन, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, वो तो बायोडिग्रेडेबल है, पर प्रकृति को खराब नहीं करना है, प्रकृति का ध्यान रखना है, प्रकृति पर्यावरण का ध्यान रखना है। वो गीत है ना, मुझे ना काटो मुझे ना काटो बहुत दुखता है, सुना है वो गीत? गीत है वो, झाड़ बोल रहा है मुझे मत काटो मुझे बहुत दुखता है, छोटे बच्चे ड्रामा प्ले कर रहे हैं, बच्चे ही वो झाड़ बन रहे हैं और बच्चों का ही एक हल आ रहा है उधर से, सब बच्चे ही है, काले काला दिखा रहे और वो झाड़ चिल्लाता है मुझे मत काटो मुझे मत काटो बहुत दुखता है, बहुत अच्छा गीत है। तो प्रकृति को भी दर्द होता है, पीड़ा होती है उसको, तो उसको नष्ट नहीं करना है, उसका नुकसान नहीं करना है, उसको खराब नहीं करना है, जो चीज जहां है वहीं उसको प्रॉपर फेंकनी है। बस से जा रहे हैं यहां से आबू रोड, खाया कुछ और फेंका नीचे, पहाड़ों पर जा रहे बाबा पहाड़ी पर पिकनिक मनाने, वहां सब खाने के बाद सब डाला हुआ है, नकी में कुछ कुछ फेंक रहे, तालाब में कुछ फेंक रहे, कहीं पर भी कुछ रहे, दूसरी और चीज मधुबन की बात ले लो, थूकते दे रहे कहीं पर भी, क्या ये ठीक है? क्या ये प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान है? तो कुछ भी इस तरह की जो भी बातें हैं, प्रकृति का सम्मान करना है, हमें प्रकृति जीत बनना है, तो प्रकृति का सम्मान, प्रकृति की रक्षा सुरक्षा, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति के प्रति सकाश रोज, प्रकृति को धन्यवाद भी देना है रोज सकाश में, कितना हमारी सहायता की प्रकृति ने, अब तक हमारी सहायता करती आ रही है, अब हमने उसको नष्ट कर दिया है, क्यों ये तीर्थ स्थान और इन स्थानों में क्यों ये सब आ रहे है? क्या कारण है इसका? तीर्थ स्थानों में भी ये सब क्यों आ रहा है? लोग किस लिए जाते हैं वहां पे? शादी के बाद घूमने जाते हैं वहां पे, उन स्थानों को विकारी बना रहे हैं। तो प्रकृति भी क्रुद्ध है, वो भी आवेश में है, वो भी गुस्से में है बहुत, वो भी वही करेगी जो तुम कर रहे हो उसके साथ। इसके लिए प्रकृति का सम्मान करना है। तो 10 विधियां बताई कौन कौन सी? सबसे पहले तो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास और ऊंची स्थिति बनानी है। दूसरी विधि कर्मेंद्रिय जीत बनना है, अपने आप के अपने शरीर को जीतना है, बहुत शरीर के वश हो लिए, अब अपने आप को कुछ ऐसे अभ्यास देना है कि ये मैं ऐसे करूंगा। एक अभ्यास ये भी है कि योग में बैठना, भले योग न लगे लगे, परंतु ये हाथ जहां रख दिया अब ये हिलेगा नहीं यहां से, ये हाथ यहां रख दिया अब ये हिलेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अंगद का पांव है जैसे, चाहे योग लगे। ये अभ्यास इसलिए बता रहे इंद्रियों को वश में करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, संकल्प बहुत शक्तिशाली है मच्छरों से, हवास, अपने हवास को वश में रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ये अभ्यास है। तो कर्मेंद्रिय जीत बनने की जितनी विधियां सबने की है आज तक, वो सब ट्राई करके देखनी है क्या होता है। सबने अर्थात योगियों ने, द्वापर से जिनको भगवान मिला नहीं परंतु कर्मेंद्रिय जीत वो ज्यादा है। हमारे पास जैन साध्वी आती है, उनका संयम देखकर लगता है कि इनके सामने तो ब्राह्मण कुछ भी नहीं, अगर इनमें से एक भी ज्ञान में आ गई ना तो सबको पीछे छोड़ देगी ये तो वो अभी एडमिट थे, कमरे में ना लाइट ना फैन कुछ नहीं, अगर ब्लड टेस्ट देते हैं तो पश्चाताप करते हैं, फिर अगर ब्लड दिया क्योंकि वो केमिकल के थ्रू जाएगा, पूछते हैं जरूरी है तो करो, नहीं तो हमारे गुरुजी से आज शाम को प्रायश्चित लेना पड़ेगा, ब्लड देने के बाद में प्रायश्चित लेते हैं सैंपल कलेक्ट करने के, उनको कागज ऐसे दो हाथ नहीं लगाते, नीचे रखो फिर उठाएंगे, किसी भाई के हाथ का डायरेक्ट नहीं लेंगे, नीचे रख दो हम लेंगे,
तो उनका संयम तो सर्वोपरि है, इतना भयंकर संयम है। वो अलग चीज है कि उन्होंने भगवान को नहीं जाना, नहीं पहचाना, पर उनका संयम दिलवाड़ा में आते रहती है, बहुत सारी आना जाना चालू रहता है उनका, पर संयम बहुत अधिक है। न फैन, न कुछ नहीं, न कूलर, न चप्पल, कुछ नहीं, नंगे पाव नीचे से ऊपर आते हैं, फोटो भी नहीं, कुछ नहीं उनको, कोई कितना, ना कोई मेकअप, ना कुछ, ना कुछ नहीं, भोजन नहीं रात के बाद, कितना संयम है इनके सामने तो। और हमारा ब्राह्मण आत्मा, सुबह सुबह जूस, फिर नाश्ता तैयार, फिर नाश्ता करने के, फिर चाय, चाय किसी को तो योगी नहीं लगता, चाय चाहिए अच्छा वाला कड़क, फिर उसके बाद में भोजन, फिर उसके बाद मुरली, फिर टोली, फिर उसके बाद में ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन के बाद में स्वीट, फिर 4 बजे ब्रेकफास्ट, 4 बजे सैंडविच, और फिर बीच में दादिया वगैरह आ गई तो टोलिया, और फिर कमरे में कुछ अलग से टोली, और फिर रात का भोजन, और फिर दूध, और फिर और कुछ, पर बाहर से कोई टोली, फिर आम तो आते ही रहते हैं। हम हैं सहज योगी, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, तो कर्मेंद्रिय जीत। अगली विधि है तीसरी, पवित्रता। अगली मर्यादा है। अगला पोजीशन, कौन सी पोजीशन? पूर्वज पने की पोजीशन, और ऑर्डर करना है। ये ऑर्डर वाली बात बहुत अच्छी है, अपने शरीर को ऑर्डर करना, प्रकृति को ऑर्डर करना, विकारों को ऑर्डर करना, जो निराकारी वस्तु है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उनको ही ऑर्डर करना। हे, जैसे गीत कैसे बने, हे भारत, भारत कोई है क्या, पर उसको बात कर रहे हो उससे, हे मेरे देश, कैसे करते हैं कवि लोग, वैसे इधर करना है, हे प्रकृति, हे विकार, जाओ तुम, रुखसत ले लो। उसके बाद वारे मैं अपने निश्चय और नशे को याद करना, तो हर विघ्न, हर परिस्थिति से परे रहेंगे। अगला, हलचल में नहीं आना, वारे मीठा ड्रामा, जो कुछ हो जाए, वारे मीठा ड्रामा। अगला, समेटने की शक्ति, देखते हुए भी न देखना। इसका क्या अर्थ है? देख रहे, ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर दिया कबूतर की तरह, वो नहीं, शुतुरमुर्ख नहीं जो नीचे घुस गए, वो ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी जिसको कहते हो, शुतुरमुर्ख होता है ना, उधर से खतरा दिखता है वो नीचे घुस जाता है, कहते हैं हाँ अब मैं सेफ हूं, ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी इंग्लिश में, साइकोलॉजी में कहते हैं, हिंदी में शुतुरमुर्ख, तो वो नीचे घुस जाता है, कहता है अभी कोई खतरा नहीं है, मैं सेफ हूं, ये नहीं, देखते रहना परंतु न देखना, भयभीत नहीं होना, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए, इधर से सुना, इधर से कहा, ये सब होना है, भगवान ने तो पहले ही कह दिया ना, फिर हां ये ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इतना खून, रक्त की नदियां बहेगी, रक्त की नदियां क्या होती है नरेश भाई, रक्त की नदियां सोचा है जरा, इमेजिन करना, रक्त की नदियां, ये नकी है पूरा, खून से भर गया है, और जो रास्ते है ये सारे पांडव भवन ये सब के, यहां पे खून बह रहा है, किसका, मनुष्य का। बाबा ने कहा है, दो ही रीति से भारत में विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं और सिविल वॉर। सिविल वॉर अर्थात तलवार, 100 लोग पीछे पड़े तलवार लेके, हम भाग रहे हैं, वाह रामा वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तो ये उसके बाद में अगला स्पिरिचुअल ड्रिल, साकारी आकारी निराकारी का बार बार अभ्यास करते रहना, यह विधि है प्रकृति जीत बनने की। अगला, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की ड्रिल। ऐसा नहीं कि बस एक व्यर्थ संकल्प, क्या चल रहा, कल कुछ ऐसी बात होगी, किसी ने हमको दुख दे दिया, दर्द दे दिया, दिल को दुखा दिया, आज भी सोच ही रहे, कोई उसका अंत ही नहीं है, उसका कोई रोकना ही नहीं है उसको, बस सोच ही रहे उसके बारे में, स्टॉप। बाबा कहते हैं स्टैच्यू हो जाओ, फुल स्टॉप, मन को भी और संकल्पों को भी स्टैच्यू कर दो। तो ये सारी विधि किसकी है? प्रकृति जीत बनने की। ओम शांति।
सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, अपार होंगे खाने को छप्पन भोग, सुख अपार होंगे खाने को छप्पन भोग, सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास, आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे खाने को छप्पन भोग, सोने की दुनिया होगी।